ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में, और यहाँ पर बात करेंगे आईपीएल की। और जिस तरह से आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया था कि 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा और हर एक फ्रेंचाइजीज के पास 31 अक्टूबर तक टाइम है अपनी वो लिस्ट देने का। हालांकि हर एक फ्रेंचाइज जो है उस लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए जुटी हुई है, और आपको हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई थी एज फार एज आईपीएल ऑक्शंस आर कंसर्न, जहाँ पे आपको बताया था कि आईपीएल के ऑक्शन पर्स जो है अब 120 करोड़ हो गया है, सैलरी कैप 146 करोड़ हो चुकी है, और अब मैच फीस भी आईपीएल में इंट्रोड्यूस किया गया है। पहली दफा हर एक खिलाड़ी को 7.5 लाख मिलेगा, जो कभी नहीं हुआ है। ये तो सारी आईपीएल से रिलेटेड बातें थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हर एक फ्रेंचाइज अपने रिटेन लिस्ट को लेकर बैठा है कि कौन से खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा। और इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स को लेकर। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने प्रोबो डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए, प्रोबो को डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन लिंक पर से, और वहां पर आसान से सवालों के जवाब दीजिए और जीतिए ढेरों इनाम। तो वापस आते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे, और दिल्ली कैपिटल्स ने ये क्लियर कर दिया है एक खिलाड़ी का नाम। वो खिलाड़ी कौन है? वो खिलाड़ी है ऋषभ पंत। जी हाँ, जिस तरह से शानदार तरीके से ऋषभ पंत का इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल में एक्सीडेंट के बाद कमबैक हुआ है, उनका नाम जो है पक्का कर दिया है दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल ने। मीडिया से बात करते हुए पार्थ जिंदल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, उन्होंने कहा, हाँ हमें निश्चित रूप से रिटेन करना होगा, हमारी टीम में कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नियम अभी अभी आए हैं, इसलिए जीएमआर और हमारे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सौरव गांगुली के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आगे किया और ये पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत को निश्चित रूप से रिटेन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली ऋषभ पंत जो है उन्हें रिटेन किया जाएगा। आगे क्या कहते हैं पार्थ जिंदल जो कि को ओनर हैं दिल्ली कैपिटल्स के, उन्होंने कहा हमारे पास अक्षर पटेल भी हैं जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ट्रिस्टन स्टब्स, जेक फ्रेजर, मैगर, कुलदीप यादव, अभिषेक पुरल, मुकेश कुमार और खलील अहमद, सभी हमारी टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हम देखेंगे कि ऑक्शन में क्या होता है, लेकिन पहले नियम के अनुसार हम 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, चर्चा के बाद हम ऑक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ऑक्शन की अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा था कि ऑक्शन जो है शायद आपको एंड ऑफ नवंबर होता नजर आ सकता है, और वेन्यू की भी डिस्कशंस चल रही हैं। अब ये देख रहा होगा कि क्या वेन्यू इंडिया में ऑक्शन होते नजर आएंगे या अब्रॉड, क्योंकि राजीव शुक्ला ने कहा था कि जब लास्ट टाइम बाहर ऑक्शन किए गए थे तो वहां के लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आया था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाहर भी हो सकते हैं ऑक्शन। लेकिन कमिंग बैक टू दिल्ली कैपिटल्स, जैसे कि मैंने कहा कि ऋषभ पंत का नाम जो है उस पर मुहर लग चुकी है, दिल्ली कैपिटल्स के ओनर पार्थ जिंदल ने ये मुहर लगा दी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स से कौन से वो 6 नाम है जिसे दिल्ली कैपिटल्स रिटेन करने वाली है। आप किसको रिटेन करना चाहेंगे, आप किसको देखना चाहेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, वो 6 खिलाड़ी जो कि रिटेन होते नजर आ सकते हैं, कमेंट में जाके आप अपने व्यूज दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।